कहते हैं प्यार कोई धर्म जाति सीमा नहीं देखता, लेकिन जब प्यार करने वाले लोगों को सताया जाता है तो कहीं ना कहीं यही धर्म जाति और सीमा आड़े आ जाती है। ऐसे ही प्रेमी जोड़ा एक हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है जो भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपनी गुहार लगाने आए। जानेंगे उनसे क्या कुछ उनकी समस्या है। भाई साहब, क्या आपकी मूल समस्या क्या है और उसकी जड़ क्या है समस्या? मेरी मेन समस्या की जड़ है कि मैंने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है। उन मुस्लिम लोगों का कहना है कि या तो ये शेर छोड़ दे, अगर ये शेर नहीं छोड़ता है कि तुझे दुनिया छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि तूने एक मुस्लिम लड़की को हिंदू बनाकर आज दिन तक मुस्लिम लड़की को कोई हिंदू नहीं बना पाया। तूने ये इतनी बड़ी गलती कर दी है, अब इसके लिए तो तुझे शेर छोड़ना होगा, शेर नहीं छोड़ता है तो तुझे अपना जीवन त्यागना होगा। इसलिए कौन से शहर की आप बात कर रहे हैं, शहर के कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं? मैं टोंक शहर से हूँ और काफला बाज़ार से जो लोग मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनके पीछे बड़े बड़े मौलाना मौलवी लोग लगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कैसे भी करके मुझे मार दिया जाए। आज मेरे मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद काफ़ी लोग में हौसला बुलंद हुआ है और काफ़ी लोग मुस्लिम महिलाएं जो आज हिंदू को आज़ादी से जीना चाहती हैं वो करीबन काफ़ी संख्या के अंदर हिंदू बन चुकी हैं, क्योंकि उनको विश्वास हुआ है कि एक सनातन धर्म ही एक सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म के अलावा कोई सा धर्म नहीं है। सनातन धर्म के अंदर महिलाओं को इज्जत सम्मान और हर प्रकार से सुरक्षा दी जाती है, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई है क्योंकि मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ बीस बाज़ार में लाकर घर से बाहर निकाल के बीस बाज़ार में मारा गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने हमें छुड़ाया नहीं। यानी कि पुलिस थाने तक में भी हम गए तो पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। तो ये जो आपको समस्या है ये सिर्फ दूसरे समाज से भी है कि आपके समाज के लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं? नहीं, मेरे समाज के कोई भी मुझे परेशान नहीं करते। मेरे सिर्फ घर वाले उनके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि घर वाले भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूँ टोंक में। घर वाले ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, और वो घर वाले भी कहते हैं अब तो उनकी तरफ से भी ये कहना है कि इसे मार दो। क्योंकि कितने साल हो गए आपकी शादी? मेरी शादी को 9 वर्ष हो चुके हैं। 1 साल पहले मैं अपने घर पे गया हूँ और वो इसलिए मारना चाहते हैं मुझे क्योंकि मेरी घर की छत के ऊपर 50 फुट के लोहे के पाइप के ऊपर भगवा झंडा लगा हुआ है और उसके ऊपर भगवा लाइट लगी हुई है, और आए दिन में जैसे ही कोई सांस्कृतिक हिंदू कार्यक्रम होता है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ और मेरी वाइफ स्वागत करती है। तो इस प्रकार मुस्लिम लोगों को इस चीज़ से चिढ़ होने लग गई। आप इन 9 सालों में इतने आपके ऊपर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, आपकी वाइफ के ऊपर हुए, अब तो आपका एक छोटा बच्चा भी है। शासन प्रशासन से, स्थानीय विधायक से, टोंक की आपने बात करी, सचिन पायलट का जो कि वहाँ पर उनका काफ़ी दबदबा है, इन लोगों से आपने मिलने की कोशिश करी, और अगर मिले तो क्या आश्वासन? सर, सचिन पायलट सर मुस्लिम समुदाय के लोगों का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी हिंदू व्यक्ति का सपोर्ट नहीं किया है, और वो सर अगर मैं उनके पास चले जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत जल्दी मरवा देंगे, क्योंकि अभी तक उनको मेरे बारे में पता नहीं चला। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वो लोग कांग्रेस के बिल्कुल कट्टर हैं, और कांग्रेस उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, और कांग्रेस इसीलिए उनके हौसले बुलंद है क्योंकि उनके खिलाफ़ ना कोई पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। प्रेजेंट में भी वहाँ के विधायक माननीय सचिन पायलट हैं और सांसद हरीश मीणा हैं। अगर मुझे मार भी दिया जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा तो उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सैनी है। आपने देखा प्रेमी जोड़े में से जो पति हैं उनका नाम मनोज सैनी है, उनकी वाइफ से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। सोना लदीबा खान। क्या समस्या आपके साथ में पेश आ रही है पिछले 9 साल से? सर, मैंने जब से शादी करी है तो मेरे मुस्लिम समाज के लोग भी मेरी शादी से खिलाफ़ है और मेरे ससुराल वाले भी शादी के खिलाफ़ है। सर, हमें लोग बाग जीने नहीं देते। सर, वो चाहते हैं कि हम ना तो टोंक में रहें
ना ससुराल में रहे, हम इस शेर को छोड़कर चले जाएं सर। एक साल पहले सर हम कलेक्टर द्वारा हम अपने ससुराल में आए थे सर। जब से ससुराल में आए मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, छुआछूत करी जाती है सर, आए दिन मारपीट करी जाती है सर मेरे साथ में। दो दिन पहले मुझे मेरे ससुर जी ने, मेरी ननंद ने और मेरे जेठ ने और मेरे समाज के मेंबर ने सर घर में घुस के मेरी चोटी पकड़ के मेरे पति को नीचे ला के सर बहुत बुरा मारा सर। मेरी साड़ी उतार ली गई, मोटे मोटे पत्थरों से मारपीट करी गई सर। बाजार के कुछ लोगों ने नहीं बचाया, लेकिन जब मेरे पति के ऊपर तलवार रखी गई तो कुछ गंभीर बात बताइए, आपके पति की गर्दन पे तलवार रख दी गई, ये किसके द्वारा किया? ये सर मेरे ससुराल द्वारा, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे सर, दोनों साथी थे सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपने यहाँ पर भाजपा कार्यालय में भी आप आए हो, आपने यहाँ पे भी अपनी जो वेदना है वो आपने बताई है, शासन प्रशासन से भी आपने बात करी होगी, क्या आपको आश्वासन? सर हमें यही आश्वासन दिया गया है कि हमारा साथ दिया जाएगा, हमें न्याय दिलाया जाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति में हम परेशान नहीं होंगे आगे जाके सर। क्या आपके पति हैं वो क्या काम करते हैं? सर वो फास्ट फूड की शॉप है उनकी, लेकिन अभी 3 महीने से वो बेरोजगार है सर। अभी ये बच्ची कितने साल की? सर मेरी बच्ची 4 साल की हो जाएगी 6 नवंबर को। तो ये भी देखती होगी आप दोनों के साथ में क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या बीतता होगा? सर मेरी बच्ची मानसिक रूप से बीमार है, ये चलती फिरती नहीं है सर, ये खुद बीमार रहती है सर, ये सही नहीं रहती सर। अब आप क्या चाहते हो अब आप? सर हमें कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए, हमें पुलिस सुरक्षा चाहिए और मेरे ससुराल वाले और मेरे समाज वालों के खिलाफ मैं सज़ा चाहती हूँ सर। पाबंद करते करते मैं बहुत परेशान हो गई, 3 बार पहले भी उन लोगों को पाबंद कर दिया गया, उनके हौसले बुलंद है सर। पाबंद होते होते वो लोग एक दिन हमें मार देंगे और कुछ नहीं होगा, पुलिस देखती रहेगी सर, हमारी जान चली जाएगी सर। साहिकी आज सोनल आदिबा खान नाम की एक युवती अपने बच्चे के साथ और अपने पति के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आई थी और उनका यह आरोप था, उन्होंने एक लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। उनका यह आरोप था कि ये जो उनका पति है जिसका नाम मनोज सैनी है, उसके पिता, उसके परिवार के लोग और उनके साथ उनके जेठ और बाकी उनके साथ जो उसके घर के लोग भी हैं वो उनको धमकियां दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। शादी 9 साल पहले हुई थी, वो लड़की है मुसलमान है, मनोज सैनी हिंदू है, बच्चा भी हो गया उनके, 9 साल से साथ रह रहे हैं। अब इनके किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं कोई इस तरह का है भाव है सुरक्षा का, तो इस बात को लेकर एक प्रार्थना पत्र यहाँ प्रस्तुत किया था। तो टोंक के SP साहब है श्री संजीव नैन जी, उनसे इस संबंध में बातचीत की, बातचीत करके उनको ये निवेदन किया गया कि इस संबंध में ये अदीबा खान है और मनोज सैनी है, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इनको जो भी ऐसे लोग हैं जो इनको किसी प्रकार से धमकियाँ दे रहे हैं उनको पाबंद करवाए। नए समय में हमने अक्सर एक लाइन सुनी होगी गाने की कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन ये जो डर आपने देखा इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ की आंखों के अंदर, ये उसी प्यार का डर है जो समाज के द्वारा इनको दिखाया जा रहा है और समाज के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, भले वो कोई सा भी समाज हो। अब सबसे बड़ी बात देखने की है कि 9 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, 4 साल की इनकी बच्ची है, अब इन दोनों के ही साथ में जिस प्रकार की घटनाएँ समाज के लोगों द्वारा की जा रही हैं, इनके प्रताड़ित इन्हें किया जा रहा है, इन्हें शहर छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है और टोंक के विधायक और उस एरिया के जो सांसद हैं उन तक से इनको डर लग रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारी जान को और ज़्यादा खतरा हमें हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये जोड़ा चाहता है कि हमारी आने वाली ज़िंदगी और हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो, हमारी बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो, इसी आस को लेकर ये आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आए हैं, यहाँ पे भाजपा के कुछ पदाधिकारियों से मिले हैं, अपनी व्यथा इन्होंने सुनाई है और इनका साफ तौर पर कहना है कि CM साहब तक भी ये अपनी इस परेशानी को लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ इनके साथ में होगा, इनका भविष्य क्या होगा और क्या
राजस्थान की सरकार, राजस्थान का प्रशासन इस प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिलवा पाता है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।